गाइज वेलकम वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल कुकिंग विद सिखा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे जो कि है कढ़ी, और ये सभी का फेवरेट रेसिपी है। तो चलिए इस रेसिपी को हमने किस तरीके से बनाया वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने लिया है बेसन, और ये लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट, और ये थोड़ा सा हींग और मिर्च। तो सबसे पहले हम बेसन को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम बेसन ले लेंगे अंदाज करके, दो कटोरी तक आपको लेना है, एक या दो कटोरी तक आपको ले लेना है। तो हमने यहाँ पे लिया है दो कटोरी तक बेसन। फिर उसके बाद हम ये मसाला डालेंगे, हल्दी, जीरा, मिर्च, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसको हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें। इस तरीके से आपको एक चम्मच तक डाल लेना है। और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को डाल करके हम अच्छे से बेसन में थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से इसको फेटेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अच्छे से फेटना है, और थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए आपको बेसन को अच्छी तरीके से फेट लेना है, और फेट करके इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से बेसन को फेट लेना है। और आप जितनी अच्छे तरीके से बेसन को फेटेंगे आपका पकौड़ी उतनी ही अच्छी तरीके से फूलेगा, और आपकी पकौड़ी कड़ी भी नहीं होगी। इसलिए आपको बेसन को बहुत ही अच्छे से फेटना है इस तरीके से। और फिर फेटने के बाद हम एक कटोरी में ले लेंगे पानी को, और पानी में लेने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे डाल करके कि हमारी पकौड़ी फूल रही है या नहीं। तो आपको अच्छे से फेंट लेना, और फेंटने के बाद पानी में डाल करके इस तरीके से चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बेसन हमारा अच्छी तरीके से फेंट चुका है, इस तरीके से पकौड़ी ऊपर आ जाएगा। तो समझ लीजिए हमारा पेस्ट जो है तैयार है। फिर उसके बाद हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे हम तेल को। तो इस तरीके से आपको तेल डाल लेना है, और तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए, मतलब हीट हो जाए अच्छे से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अंदाज करके तेल ले लेना है। और फिर उसके बाद तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम छोटी छोटी पकौड़ी को बनाएंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं आपको छोटे छोटे पीसेस में पकौड़ी को बना लेना है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे पीसेस में पकौड़ी को छान लेंगे। हल्का ब्राउन ही छानना है आपको, ज़्यादा कढ़ी की पकौड़ी आपको हल्का ब्राउन ही रखना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो इस तरीके से एक साइड से हमारा अच्छे से हो जाए, फिर उसके बाद हम इसे दूसरे साइड में पलट देंगे, और पलटने के बाद अच्छे से इसे हल्का ब्राउन कर लेंगे। आपको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। इस तरीके से हमारी पकौड़ी जो है तैयार है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको पकौड़ी छान लेना है, और छानने के बाद हम प्लेट में बाहर निकाल लेंगे पकौड़ी को। तो हमारा पकौड़ी बन करके तैयार हो गया है, और फिर उसके बाद हम उसी तेल में बनाएंगे। और तब तक हम इसको घोल को तैयार कर लेते हैं, जो बेसन लास्ट में बच जाता है उसका घोल हम तैयार कर लेंगे, और दही का भी घोल बना लेंगे। तो आज हम दही और बेसन की कढ़ी बनाएंगे। तो दही और ये बेसन को अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे हाथों से। तो ये हमारा घोल आप देख सकते हैं, घोल हमारा तैयार हो गया है। इस तरीके से आपको घोल अच्छे से मिला लेना है हाथों से, और घोल तैयार हो गया हमारा। और ये हमने घोल तैयार किया, और लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट, और ये सारे करी पत्ते वगैरह। सबसे पहले हम डालेंगे करी पत्ते, लाल मिर्च और हींग, इन सारी चीज़ों को हम डाल करके अच्छे से हल्का ब्राउन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अच्छे से इसे हल्का ब्राउन कर लेना है। फिर उसके बाद हम डालेंगे मसाले जो हमने तैयार किया था, लहसुन, जीरा, मिर्च और अदरक का, इन सारी चीज़ों का जो पेस्ट था उसको डाल देंगे। और इस पेस्ट को डाल करके हम ढक देंगे, और ढक करके 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। फिर इसे हम बीच में खोल करके चेक करेंगे। और कढ़ी का मसाला जो होता है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। आप जितनी ही अच्छे तरीके से भूनेंगे आपका कढ़ी जो है उतना ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अच्छे से इसे भूनना है मसाले को, और मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छे से तेल ना दिखने लगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ढक करके अच्छे से मसाले को भूनना है, बहुत ही अच्छे से भूनना है। और आप अगर अच्छी तरीके से भून लेंगे तो आपका कढ़ी उतना ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो मसाला हमारा पेस्ट डाल देंगे जो हमने दही और बेसन का बनाया था उसको डाल देंगे, और डालने के बाद फिर आपको अंदाज करके इसमें पानी और ऐड कर देना है और डाल देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको थोड़ा सा नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, अच्छे से इसे फिर पकाना है। नमक डालने के बाद अच्छे से आपको इस तरीके से चलाते रहना है, इस तरीके से आपको अच्छे से चलाते रहना है। ये आप देख सकते हैं आपको इसी तरीके से चलाना है कढ़ी को, और अच्छे से इसे पका लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई रखिए, और फिर उसके बाद उबलने लगे फिर उसके बाद धीमा कर दीजिए गैस का फ्लेम। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको चलाते रहना है बीच बीच में, और चलाते हुए इसे अच्छी तरीके से पका लेना है।
तो ये आप देख सकते हैं हमारा अच्छे तरीके से उबलने लगा। जब उबलने लगेगा तो हम इसमें पकौड़ी डाल देंगे इस तरीके से, ताकि पकौड़ी भी अच्छे से कढ़ी में फूल जाए। तो इस तरीके से आपको अच्छे से चला लेना है और चलाते हुए इसको अच्छे से पका लेना है। और आप कढ़ी को जितनी ही अच्छे तरीके से पकाएंगे, आपका कढ़ी उतना ही टेस्टी और यम्मी बन करके तैयार होगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे से कढ़ी को पकाते रहना है चलाते हुए, और पकाना ही आपको बहुत अच्छे से है इसको। अगर आप अच्छी तरीके से पका लेंगे तो आपका कढ़ी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो इस तरीके से आपको चलाते रहना है बीच बीच में, और इसे धीमे फ्लेम में ही अच्छे से पकने देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अच्छे से चलाते हुए पका लेना है। तो ये आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। अभी देखिए आप पानी इसमें दिख रहा है, मतलब कि गाढ़ा नहीं हुआ है। जब गाढ़ा हो जाएगा तभी हमको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अच्छे से धीमे फ्लेम में ही इसे पकने देना है, और बीच बीच में ऐसे चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं हमारा कढ़ी एकदम से गाढ़ा हो चुका है। तो हमारी कढ़ी बन करके रेडी, हम इसे एक बाउल में बाहर निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।